दोस्तों आज फिर मिल रहे हैं अपने चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तो आइए चलते हैं किचन में और देखते हैं कि क्या बन रहा है आज। हेलो एवरीवन, आज हम अपने किचन में बनाएंगे साबूदाने का पोहा। पोहा भी ऐसा जो एकदम खिला खिला, एक एक दाने अलग वाला। तो आइए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो शुरू करेंगे इसके टॉप सीक्रेट्स के साथ। सबसे पहले 3 कटोरी साबूदाना एक पैन में ले लिया है और ढेर सारा पानी। नॉर्मली लोग पानी ऐड करके छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, इसको अच्छे से वॉश करना है। देखिए कितना स्टार्च निकला है, इसको गिरा के कम 4-5 बार वॉश करना है, जब तक कि पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। और अब सारा पानी हटाने के बाद अब इसे भिगोएंगे, और वो भी भिगोएंगे इसको 3 कटोरी पानी के साथ, यानी कि जितना साबूदाना उतना ही पानी। यही इसका सीक्रेट है कि इसमें एग्जैक्ट उतना ही पानी रखना पड़ता है, तभी इसका एक एक दाना खिला हुआ बनता है। ओवरनाइट इसको कर दिया है सूप, और अब आपको चेक करा देते हैं। ये देखिए है ना खिले खिले दाने, एकदम अलग अलग दाने आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसी फॉर्म में इसको बनाएंगे। आगे चलते हैं, बहुत सारी वेजीज के साथ आज इसको बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले लिए हैं मटर के दाने, और एक बड़ा आलू छोटे पीस में कट कर लिया है, एक कैप्सिकम कट कर ली है छोटे छोटे पीसेस में, और साथ में मैंने लिए हैं कैरेट्स, वो मैंने जूलियंस में कट किए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी शेप। कुछ पीनट्स लिए हैं, और साथ में एक बड़ा प्याज छोटे साइज में कट किया हुआ, थोड़े से कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिलीज। तो आइए सबसे पहले पीनट्स को रोस्ट कर लेते हैं। ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल भी ऑयल नहीं डालना है। जब तक ये गर्म है, हमने निकाल के एक प्लेट में रख दिए हैं ठंडे होने के लिए। कढ़ाई अभी गर्म है, तो डाल देते हैं उसमें ऑयल और वेट करते हैं इसके गर्म होने का। तो ऑयल गर्म हो चुका है, अब ऐड करेंगे इसमें मस्टर्ड सीड्स, क्रैकल हो रहे हैं हमारे सीड्स। आगे इसमें ऐड करेंगे हम अपना छोटे छोटे पीसेस में कटा हुआ पोटैटो, ऐड कर दिया है, चला दे रहे हैं, अच्छे से फ्राई करना है। साथ ही में ऐड करेंगे इसके साथ में चॉप्ड किया हुआ प्याज, ये भी हमने ऐड कर दिया है, और दोनों को चला के अच्छी तरह से कर लेंगे फ्राई। ये फ्राई हो रहा है, 1-2 मिनट इसको फ्राई होने देते हैं। तो पोटैटो है, आपको पता है कि थोड़ा सा तो टाइम लेता है कुक होने में। साथ में गाजर के जूलियंस डाल दे रहे हैं, ये मैंने सैलेड वाली कैरेट ली है इस सीज़न में, क्योंकि रेड वाली कैरेट अवेलेबल नहीं होती है। इन सब को एक साथ चला देंगे अच्छी तरह से, चला कर हमें फ्राई करना है। सब जगह ऑयल लग जाना चाहिए, तभी ये फ्राई होगा अच्छी तरह से। देखिए कम से कम 1-2 मिनट इसको भी देंगे कुक होने के लिए। तो इसको चला देते हैं एक बार और अब हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम जो कि हमने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है, इसको भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और कैप्सिकम के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मटर के दाने, ये फ्रोज़न मटर है जो कि 15 मिनट मैंने ठंडे पानी में ही डिप कर दी थी। काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं ये, इसलिए कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बाकी वेजिटेबल्स तो हमने पहले ही कुक कर लिए है, तो इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं कढ़ाई में इसी तरह से कुक होने के लिए, और एक लिड लगा देते हैं। 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे और कुक होने देंगे एकदम स्लो फ्लेम पर। आइए चेक करते हैं 5 मिनट्स के बाद। तो वेजिटेबल्स तो हमारी कुक हो चुकी हैं, आधी तैयारी हमारी हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली, हमने पहले इसलिए ऐड नहीं की थी कि ये जल जाती है। और करी लीव्स ऐड करेंगे इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए। करी लीव्स को भी हमने स्टार्टिंग में ऐड इसीलिए नहीं किया कि ऑयल में जाते ही वो एकदम क्रिस्पी हो जाती है और जल भी जाती है, उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो कट करके देखते हैं वेजिटेबल्स को, कट हो रही है इट मीन्स की कुक हो चुकी है। एक बार और चला देंगे इसको, इसके बाद ऐड करेंगे इसमें नमक, मैंने 2 टीस्पून किया है, और साथ में 2 टीस्पून इसमें मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। इसको हमें हल्का सा स्वीट टेक्सचर भी देना है, तो हल्की सी खट्टी मीठी टाइप की रेसिपी बनेगी ये। एक नींबू भी ऐड कर देती हूँ इसमें,
आधा नींबू मैंने इसमें अच्छे से स्क्वीज कर दिया है, सब कुछ रेडी है। तो अब इसमें ऐड करेंगे साबूदाना। आप देख रहे होंगे साबूदाने का हर दाना एकदम अलग है। ऐड करके इसको अच्छी तरह से चला देंगे। इसमें जितनी भी वेजिटेबल्स हैं साबूदाने के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे सबसे पहले अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि हमारे जो वेजिटेबल्स थे उसमें हमने लेमन ऐड किया था, नमक ऐड किया था, शुगर ऐड की थी, वो सब इसमें मिक्स हो जाने चाहिए। लीड लगा दिया हमने 10 मिनट के लिए। साबूदाना है थोड़ा टाइम लेगा। अब देखिए पीनट्स ठंडे हो चुके हैं, मैंने छील लिए हैं, इनके छिलके मैंने उतार दिए हैं। तो अब 10 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक करते हैं। अभी ये हाफ कुक हुआ है। इसके कुक होने की पहचान है कि इसके सारे दाने अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। तो अभी तो आप देख रहे हैं कि थोड़े से ही दाने ट्रांसपेरेंट हुए हैं। दोस्तों साबूदाना को कुक होने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए आराम से इसको बनाइएगा। एक बार और ढक दिया। 7-8 मिनट के बाद मैंने खोला, तो देखिए अब आपको इसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी नज़र आ रही होगी। तो अच्छी तरह से हमने इसको फिर से चला दिया है और ये कुक हो चुका है। कहीं कहीं एक दो दाने वाइट दिख रहे हैं, वो इसी की स्टीम में अपने आप कवर कर लेंगे। तो अब इसकी कर देते हैं प्लेटिंग। एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। गरम गरम साबूदाने का पोहा है, खाने में तो टेस्टी लगेगा ही, तो किसी को इंतज़ार नहीं कराना है। प्लेट में मैंने कर दिया सर्व। और मैंने ये देखिए पीनट्स को क्रश कर लिया है, पूरा पाउडर नहीं बनाया है। ढेर सारा पीनट इसमें ऐड करेंगे। हरा धनिया भी साथ में मैंने ऐड कर दिया है, लेकिन पीनट का फ्लेवर तो सच में बहुत यम्मी आता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से ऐड करिएगा, इसमें कंजूसी नहीं करनी है। तो हमने इसमें पीनट्स भी ऐड कर दिए हैं और कुछ साबुत पीनट्स भी ऐड कर दिए हैं। तो दोस्तों तैयार है हमारी रेसिपी। कैसी लग रही है? जितनी खूबसूरत देखने में है उतनी ही खाने में भी। तो ऐसी ही यम्मी सी रेसिपीज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे चैनल कुक विद रंजू पर। हम फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।